Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing trigonometry of class 11th, and this is lecture number 5. I hope you have already watched part 1 to part 4 before watching this lecture 5. आज हम लोग बात करने वाले हैं डोमेन और रेंज की. डोमेन और रेंज क्या होता है? तो डोमेन और रेंज आपने पहले फंक्शन में पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, तो मैं थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं कि डोमेन और रेंज होता क्या है. अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन किसे कहते हैं कि इफ देयर आर टू वेरिएबल्स, इफ x एंड y आर टू वेरिएबल्स सच दैट y कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ y देन y is called function of x and is denoted by function of x and is denoted by y as function of x. Function कई तरह के होते हैं. Algebraic function, trigonometric function, logarithmic function, exponential function, inverse trigonometric function, modulus function, like that. हम बात कर रहे हैं आज डोमेन और रेंज की. डोमेन एंड रेंज, एंड फिर हम बात करेंगे ग्राफ. फंक्शन जैसा कि मैंने कहा कि कई तरह के हो सकते हैं. अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y इज ए फंक्शन ऑफ x, या 3x स्क्वायर प्लस 2. x का कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो y की एक यूनिक वैल्यू मिलेगा. y इज इक्वल टू e टू द पावर x, x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू एक यूनिक मिलेगा. y इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की कोई भी एक वैल्यू, या tan x, तो x की कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो y की एक यूनिक वैल्यू मिलेगा. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? y इज इक्वल टू sin x, sin क्यूब x, cos क्यूब x, इस तरह का ये जो फंक्शन होगा x के हर एक वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू मिलेगा. ये चूंकि अलजेब्रा में है इसलिए इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन. इसको कह देंगे अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है? और ये है अलजेब्रिक फंक्शन. इसी तरह से ये चूंकि एक्सपोनेंशियल है तो इसे हम कह देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हमें इनकी बात नहीं करनी है, ये सिर्फ वैरायटी बताने के लिए हम कह रहे हैं. y इज इक्वल टू log x हो तो इसको हम कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है? तो फंक्शन कई तरह के होते हैं. यहाँ पे चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हमें बात करनी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. अब इसमें डोमेन और रेंज क्या होते हैं ये हमें समझना है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज. तो डोमेन और रेंज में हम बात करने वाले हैं, ये हमारा डोमेन और रेंज है क्या. x की वैल्यू सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच y हैज यूनिक वैल्यू कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड द सेट ऑफ कोरिस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन. तो अगर हमने x की वैल्यू को डोमेन कहा तो y की वैल्यू को क्या कहा? रेंज. अब यहाँ पे sin x का ये ग्राफ है. ग्राफ कैसे बनता है जरा समझ. ये ग्राफ देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है. ये वैल्यू कितनी है? ज्यादा से ज्यादा y की वैल्यू क्या है तो -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के
बीच में है ना, ये वन और नीचे माइनस वन, माइनस वन से ज्यादा नहीं है, मतलब कम नहीं है, और वन से ज्यादा नहीं है, तो y की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है, इसलिए इसका रेंज हुआ, y की वैल्यू को क्या कहते हैं, रेंज, इसलिए ये हुआ माइनस वन से वन। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है x एक्सिस के अलावा, देखिए जीरो पे भी वैल्यू कुछ ना कुछ है, यूनिक वैल्यू है, पाई बाई टू पे भी कुछ यूनिक वैल्यू है, अगर कोई पूछे पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी है तो हम कहेंगे कि पाई बाई टू पे वैल्यू वन है, पाई पे वैल्यू कितनी है तो क्या है, जीरो है, हर एक पॉइंट पर, यहाँ थ्री पाई बाई टू है, इस पे वैल्यू कितनी है तो माइनस वन है, कहीं पर भी यहाँ पे भी हम लें तो कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए y का एक यूनिक वैल्यू मिलता है, इसलिए y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब ये y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। ग्राफ बनता कैसे है, तो इसका डोमेन क्या होगा, पहले डोमेन ऑरेंज लिखते हैं फिर ग्राफ की बात करते हैं। डोमेन इसका होगा ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मतलब ये कहीं से भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी x की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, y कुछ ना कुछ मिलेगा, y 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है, y 1120 डिग्री हो तब भी कोई ना कोई वैल्यू होगा, कुछ भी हो, तो x के कोई भी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसलिए डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हुआ, रेंज हो गया माइनस वन से वन के बीच में, ये है माइनस वन से वन के बीच में, इस तरह के ब्रैकेट को कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें माइनस वन भी लेना है और वन भी लेना है, वाई की वैल्यू लाई करेगी, ये मतलब हुआ कि वाई माइनस वन से वन के बीच में है, वन भी वैल्यू हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। जरा एक बात समझ लीजिए, क्लोज और ओपन इंटरवल क्या है, इसी संदर्भ में मैं बता देना चाहता हूँ, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है कि हम एक्सट्रीम वैल्यू पे ले सकते हैं, जैसे मैं ये लिखूं कि एक्स बिलोंग टू टू थ्री, ये एग्जाम्पल है, या ए बी ऐसा लिखूं अगर मैं, तो इसका मतलब है कि एक्स दिस इम्प्लॉई, एक्स कैन है वैल्यू, दिस इम्प्लॉई एक्स कैन है वैल्यू टू और मोर देन टू एंड बट थ्री और लेस देन थ्री, इसका मतलब है कि द मिनिमम वैल्यू इज डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एज टू एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एज थ्री, यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही डिफाइंड है, इसलिए इसको कहते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये इसकी लोअर लिमिट है इसलिए बाउंडेड है, इससे कम नहीं हो सकता, ये इसकी अपर लिमिट है, और दोनों ही क्या है, फिक्स्ड है, दोनों के दोनों क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों फिक्स्ड है, इसलिए हम इसे कहेंगे क्लोज्ड, ये है फिक्स्ड, फिक्स्ड है दोनों ही। जबकि ओपन इंटरवल के केस में क्या होता है कि अगर हम इसे लिखें ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल एक्स बिलोंग टू ऐसे लिखते हैं ओपन इंटरवल को टू थ्री, इसका मतलब हुआ कि एक्स टू से बड़ा है और थ्री से छोटा है, इसमें मिनिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मिनिमम वैल्यू कैन नॉट से क्वेश्चन मार्क, मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है मैक्सिमम क्या है, कोई कहे कि मैक्सिमम वैल्यू थ्री तो है नहीं, 2.99, दूसरा बोलेगा 2.999, तीसरा बोलेगा 2. कई सारे नाइन बोल देगा, उससे भी बड़ी वैल्यू हो गई, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम इज डिफाइंड, दोनों ही ओपन है कहने के लिए कि क्या होगा कहना मुश्किल है, 2.0001 आप बोल रहे हैं, कोई उसके बाद बोल देगा 2.00001 दैट इज लेसर देन दिस, तो इस हिसाब से न तो ये मिनिमम वैल्यू डिफाइंड है न मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है, अपर लिमिट लोअर लिमिट बोथ आर नॉट डिफाइंड, बोथ आर ओपन, इसलिए इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सट्रीम वैल्यू नहीं ले सकते, एक्सट्रीम वैल्यू कैन नॉट बी कंसीडर्ड, एक्सट्रीम वैल्यूज कैन बी कंसीडर्ड,
कांट बी टेकन, ठीक है, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू ले सकते हैं। अब ये ग्राफ बनता कैसे है ये समझने की जरूरत है कि ये ग्राफ बनता कैसे। आपने वैल्यू निकालना तो सीख ही लिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसी तरह से हर एक किसी भी ग्राफ का आप वैल्यू निकाल के बना सकते हैं। जैसे एक कॉस एक्स है, कॉस एक्स का भी आप ग्राफ देख रहे होंगे तो ये -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ पर भी डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा -1 से 1, सॉरी डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगा -1 से 1 की, वाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे साइन एक्स का डोमेन है वैसे ही कॉस एक्स का भी डोमेन है, डोमेन है ऑल रियल नंबर, और हम कहेंगे -∞ to +∞, और रेंज क्या है, रेंज है -1 से 1 के बीच में। ये ग्राफ बनता कैसे, जैसे हम मान लीजिए कि ये टेबल बना दें, y cos x, ये है x और ये है y, y की वैल्यू क्या है cos x। आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आपको सबकी वैल्यू लिखनी होगी, जैसे यहाँ 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, ऐसे वैल्यू, यहाँ पे 2π है, ऐसे आप लिखते चले जाएं, यहाँ -π/2 है, यहाँ पर -π है, यहाँ पे -3π/2 है, इनकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे आपको cos 0 कितना होता है 1, cos π/2 क्या होता है 0, पाई क्या होता है -1, 3π/2 क्या होगा 0, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos की वैल्यू होती है 0, यहाँ 2π पे वैल्यू क्या होगी 1, इसी तरह से -π/2 पे 0, -π पे -1, और यहाँ 3π/2 पे 0। ये सब वैल्यू को प्लॉट करेंगे यहाँ पे, जैसे x0y1, x0y1 इज दिस पॉइंट, है ना, x π/2 y0, ये π/2 है, ये 0 है, ये पॉइंट है, x π y -1, x π y -1, दिस वन इज ए पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से 3π/2, ये 2π पे, 3π/2 पे ये क्या है 0, दिस इज 3π/2 0, 2π पे वैल्यू क्या है 1, ये 2π है, ये 1 है, तो ये पॉइंट हो गया 2π/1। इसी तरह से जितनी वैल्यू आप निकाल करके प्लॉट करेंगे तो ऐसा स्लोप बन जाएगा, सब पॉइंट को अगर हम डिसाइड करें, सब पॉइंट को ज्वाइन करें फ्री हैंड से, तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो डोमेन और रेंज कॉस एक्स का होता है, माइनस डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होता है -1 से 1। साइन एक्स के बारे में भी यही बात है कि साइन एक्स का डोमेन जो होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर, और कॉस रेंज क्या है -1 to 1। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, साइन एक्स का भी ग्राफ बनाते समय वही काम करते हैं जैसे जैसे कॉस एक्स के किया, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए y = tan x का ग्राफ बनाते हैं, tan x का, tan की वैल्यू भी आपको पता है, आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ये लिख दिया हमने x और ये है y, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ये 0, tan 0 की वैल्यू क्या होगी 0, x 0 होगा तो y भी होगा 0, π/2 पे, π/4 पे क्या वैल्यू होता है 1, और π/2 पे क्या होता है नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, है ना, और पाई पे क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से -π/4 पे वैल्यू क्या होगी -1, और -π/2 पे क्या होगा -∞। -π पे क्या होगा 0। मतलब ये कि जितनी आप वैल्यू रखते जाएंगे उतने तरह के आपको ये मिलता जाएगा वैल्यू, और फिर आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए जैसे जैसे आप ये देखेंगे, 0 पे वैल्यू है 0, tan 0 0 ये पॉइंट हो गया, है ना 0। अब tan π/4 होगा, यहाँ π/4 है तो ये वैल्यू क्या है 1, तो ये π/4 पे वैल्यू है 1। π/2 पे इंफिनिटी, यानी ये लाइन को ये जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे टच करता है। इसी तरह से यहाँ पे है -π/4 और ये वैल्यू क्या है -1, तो ये देखिए ये है -π/4,
ये वैल्यू है -2, ये है +π/4, ये वैल्यू है 1। तो ऐसे ही प्लॉट रखेंगे, पाई पे क्या है 0, इसी तरह से आगे। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा जिसपे π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे टैन डिफाइंड नहीं होता, इसलिए यहां से लेकर के लग रहा है कि ये इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। डिफाइंड नहीं होने का मतलब है कि इट विल टच टू इंफिनिटी। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल टैन थीटा, एक बात सामने आ गई कि टैन थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, फॉर ऑल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, राइट, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो x की वैल्यू सब जगह हो सकती है, सिर्फ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। तो अब आपसे कोई कहे कि डोमेन कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? डोमेन होगा ऑल रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट ऑड। ऑड को लिखने के लिए क्या करते हैं, 2n+1, क्योंकि n कोई भी इंटीग्रल नंबर होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करने से इवन हो जाएगा और 1 जोड़ने से ऐड हो जाएगा। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n इज एन इंटीजर, n कोई इंटीजर होगा तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा, है ना। देख रहे हैं आप ग्राफ पे कि ये π/2 पे डिफाइंड नहीं है, फिर 3π/2 पे डिफाइंड नहीं है, तो 3 × π/2 है, दैट इज ऑड। 5π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा, मतलब डोमेन जो होगा वो होगा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा। रेंज y की वैल्यू कहाँ तक जाती है, ऊपर में ये इंफिनिटी तक जा रही है, कह ही रहे हैं कि इंफिनिटी पे टच करेगा। नीचे में कहां तक आ रही है, माइनस इंफिनिटी तक, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कहीं पर भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो रेंज अगर बोला जाए तो ये होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को क्या कहते हैं, ऑल रियल नंबर, है ना, और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब बात आती है, एक अगला ग्राफ करते हैं कॉट की। कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स, टैन का रेसिप्रोकल कॉट एक्स। अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, वाई इज इक्वल टू कॉस, ग्राफ ऑफ कॉट एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। इसमें भी आप एक्स और वाई ये टेबल बना लेंगे और वैल्यू रख के देखें तो ये 0, फिर 5/2, 5/4, π/2, π, लाइक दिस, है ना। -π/4, -π/2, -π, लाइक दिस, कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू, कितनी भी आपकी मर्जी है। कॉट जीरो अगर कहें तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 1/tan 0 होगा और टैन 0 0 होता है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये होगा इंफिनिटी। π/4 पे tan π/4 1 होता है, उसका उल्टा भी 1 ही होगा। π/2 इंफिनिटी होता है, 1/∞ इज 0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि ये पाई पे, 0 पे, -π पे डिफाइंड नहीं है। तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं है। द फंक्शन कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स इज नॉट डिफाइंड एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं है। तो अब इस हिसाब से देखिए, यहाँ पे जैसे 0 पे डिफाइंड नहीं है, पाई पे डिफाइंड है, पाई पे इंफिनिटी को टच कर रहा है, पाई पे इंफिनिटी को टच कर रहा है,
टू पाई पे इंफिनिटी को टच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइंड नहीं है। तो हम लिखेंगे इसका डोमेन कितना हो जाएगा, इसका डोमेन डोमेन हो जाएगा, डोमेन होगा आर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर एन इज बिलोंग टू इंटीजर। रेंज क्या है, नीचे में ग्राफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, ऊपर में इंफिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज वही होगा जो टैन का है। रेंज है ऑल रियल नंबर और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो इस तरह से ये कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह का ग्राफ कोसेक एक्स और सेक एक्स के लिए भी होना चाहिए, है ना। तो सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ कैसा होगा इस बात को भी समझते हैं। देखिए ये है y इज इक्वल टू सेक एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स। तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेक एक्स, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस जहां पर जीरो होगा सेक वहां पर डिफाइंड नहीं होगा। y इज इक्वल टू नथिंग एल्स बट 1 बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स कहाँ होता है, जीरो, जब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता है। इसका मतलब जब एक्स ऑड इंटीग्रल, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। इसका मतलब है कि सेक एक्स ये नहीं, इस पे डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन क्या होगा इसका, तो डोमेन इसलिए होता है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। और रेंज क्या होगा इसका, रेंज जो होता है वो होता है, आप देखिए इस ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ जो है कॉस एक्स माइनस वन से वन के बीच में होता है। तो अगर वन से बड़ा छोटी चीज से डिफाइन करेंगे तो वन से बड़ी होगा। इसका मतलब है कि वैल्यू वन से बड़ी होगी और निगेटिव में वन से छोटी से डिवाइड करेंगे, माइनस वन से छोटी, जीरो से छोटी, तो ये क्या होगा माइनस वन से छोटी। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर वन से छोटी से डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो वन से छोटी से डिवाइड करेंगे तो ये वन से बड़ी हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका रेंज जो होगा या तो वन से बड़ा होगा या माइनस वन से छोटा होगा। माइनस वन हो सकता है लेकिन इन्फिनिटी फिक्स नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल लिखते हैं। और वन से वन हो सकता है, वन से बड़ा होगा, तो वन से बड़ा का मतलब ये हुआ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लिखा जाता है। तो ये माइनस वन से वन के बीच में नहीं होगा, आपको ये बात याद रखना चाहिए अच्छी तरह से। सेक थीटा, द वैल्यू ऑफ सेक एक्स, ऐसे लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ सेक एक्स, sec x do not doesn't lie between minus 1 to 1, between minus 1 to 1, याद रखिए। between का मतलब यह होता है कि 1 और minus 1 को छोड़ के, तो इन दोनों के बीच में कभी नहीं हो सकता, does not lie between minus 1 to 1, ये बात याद रखेंगे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, वैल्यू रख के बनता है और वो वैल्यू हम रख सकते हैं यहां से। देखिए एक्स और ये है वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। अब यहां पर आप वैल्यू रखिए तो ये जीरो, जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जीरो, सेक जीरो वन होगा, पाई बाई टू, पाई थ्री पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस थ्री पाई बाई टू, ठीक है। तो सेक कॉस जीरो वन होता है, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, तो सेक पाई बाई टू क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ये पाई माइनस वन होता है, कॉस पाई माइनस वन होता है, तो सेक पाई माइनस वन का उल्टा भी माइनस वन। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पर 3 पाई बाई 2 पे कॉस डिफाइन नहीं होता, तो सेक जो होगा वो जीरो होगा, 1 अपॉन इनफिनिटी इज जीरो। वन अपॉन जीरो इज इनफिनिटी।
पाई बाई टू पर डिफाइन नहीं होता तो ये इन्फिनिटी, पाई बाई टू पर डिफाइन नहीं होता नेगेटिव में है तो माइनस इन्फिनिटी, सेट में माइनस इन्फिनिटी होगा, ये नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में से क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, तो ये होगा इन्फिनिटी। थ्री पाई बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये, थ्री पाई बाई टू ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में लाई करता है, इसलिए इधर होगा माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी दोनों ही वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करेगा कि ये पहले है या बाद में, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह से यहाँ पे पाई पे वैल्यू होती है, माइनस पाई की वैल्यू अगर ले तो माइनस पाई भी उस बाउंड्री पे लाई करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी होगी माइनस पाई की वैल्यू माइनस वन, और माइनस पाई की वैल्यू होगी माइनस वन, और थ्री पाई बाई टू पे फिर होगा इन्फिनिटी, तो ये होगा माइनस। अब इस ग्राफ को प्लॉट करें तो जीरो पे वन ये वैल्यू आ गई, देखिए पाई बाई टू पे इन्फिनिटी ये वैल्यू आ गई, पाई बाई टू पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देखिए है ना, अच्छा तो ये हो गया पाई बाई टू पे। अब पाई बाई टू से ज्यादा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस इन्फिनिटी, पाई पे वैल्यू क्या होगी माइनस वन, ये देखिए माइनस वन है वैल्यू, है ना, तो पाई पे वैल्यू माइनस वन, थ्री पाई बाई टू पे इन्फिनिटी। इस तरह से आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये देख रहे हैं कि एक बाउंड्री है कि ये वैल्यू जो है वो माइनस वन से वन के बीच में नहीं लाई कर रहा है, वाई डजंट लाई बिटवीन माइनस वन टू वन, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका वाई की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन ये पाई बाई टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे डोमेन आर माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू कोसेक x का, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कोसेक x, कोसेक x भी 1 अपॉन साइन x होता है, यानी जब साइन x 0 होगा तब ये डिफाइन नहीं होगा, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई, क्योंकि x sin पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे क्या होता है 0, sin 0 0 होता है, sin पाई भी 0 होता है, 2 पाई भी 0 होता है, इस पूरी लाइन पे sin की वैल्यू 0 होती है, यानी चाहे पाई हो चाहे 2 पाई हो चाहे 3 पाई हो या 4 पाई हो, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये डिफाइंड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि इसका भी डोमेन जो होगा वो क्या होगा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। रेंज क्या होगा, तो रेंज जो होगा चूंकि ये भी माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है, तो सिमिलर लाइक कॉस एक्स ये भी माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल माइनस वन से वन के बीच में लाई नहीं करेगा, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन जैसा सेक का था वैसा ही और वन से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, तो डोमेन और रेंज ऐसे आप याद रख सकते हैं, सेक का रेंज सेम है, किसके समान है कोसेक का, सेक का और कोसेक का रेंज सेम, ये इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं। ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहेंगे तो y इज इक्वल टू कोसेक x है, आप एक्स वाई के लिए टेबल बना लीजिए कोसेक x और ऐसे ही वैल्यू रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू इस तरह से रख के निकाली जा सकती है, ये जीरो पे साइन जीरो जीरो होता है तो कोसेक जीरो क्या होगा नॉट डिफाइंड, पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे साइन पाई बाई टू वन होता है, वन का उल्टा भी वन ही होगा, पाई पे साइन सेक ये भी क्या होगा ये माइनस इन्फिनिटी होगा, है ना, पाई पे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों ही हो सकते हैं नॉट डिफाइंड है, ये पहले होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस समथिंग तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, पाई प्लस समथिंग तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जैसा भी होगा डिफाइंड तो नहीं होगा। थ्री पाई बाई टू पे होता है वैल्यू माइनस वन, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे माइनस वन का रेसिप्रोकल भी माइनस वन होगा,
इसी तरह से इधर अगर माइनस पाई बाई टू करें तो माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू होगी माइनस वन, माइनस पाई करें तो ये वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड माइनस इंफिनिटी, और अगर माइनस थ्री पाई बाई टू करें तो ये होगा माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन दैट इज प्लस वन। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ थ्री पाई बाई टू यानी पाई बाई टू के आसपास, तो इस तरीके से ये वैल्यू जो होंगे वो लाई करेंगे और जितनी चाहे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब प्लॉट करके देखते हैं कि जीरो पे इन्फिनिटी ये है, एक्स जीरो वाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, पाई बाई टू पे वैल्यू क्या है जीरो है, तो पाई बाई टू पे ये देखिए वैल्यू क्या है पाई बाई टू पे वन, पाई बाई टू पे वन, पाई पे क्या है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, थ्री पाई बाई टू पे वैल्यू क्या है माइनस वन, ये है माइनस वन, ठीक है ये है माइनस वन, थ्री पाई बाई टू पे वैल्यू माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस पाई बाई टू तो ये भी वैल्यू है क्या माइनस वन, है ना माइनस वन, और पाई पाई पे फिर क्या अप्रोच कर रहा है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये भी साफ साफ है कि ये भी माइनस वन से वन के बीच में नहीं लाई करेगा। तो आप ये बात इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि कोसेक एक्स द वैल्यू ऑफ कोसेक एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स डजंट लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन के बीच में लाई नहीं करता है, ये बात याद रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे ग्राफ को समझ पाए हैं, कुल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हमने बता दिया सिंपलेस्ट लेवल पर। कंपटीशन के लिए इसमें और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी जो आगे के वीडियोज में बताया जाएगा, स्कूल के लिए ये काफी है। इतना ही होगा, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगली क्लास में ब्रेक के बाद मिलते हैं, उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा। टिल देन बाय बाय।